राहुल गांधी जी ने नोटिस निकाला है, प्रधानमंत्री को भी दिया, स्पीकर को दिया, हम इस पर चर्चा करना है, तो वो लोग तैयारी नहीं है, इनका पूरा पर्दा साफ हो जाएगा, इसीलिए इन लोग ने चाहा नहीं है। हिंदू धर्म में ये नहीं लिखा है आप किसी को परेशान करो, हिंदू धर्म में ये नहीं कहा है आप किसी को टारगेट करो, उसको डराओ धमकाओ, ये कहीं नहीं, किसी धर्म में नहीं लिखा है। तो ये बीजेपी वाले सारे ये चॉकलेट देना, झूठ बोलना बंद करके, बीजेपी सरकार आने के बाद में बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, नफरत, हिंसा, करप्शन, प्रशासन हमेशा उत्तर प्रदेश में बुलडेजर चलाने के अलावा कुछ काम नहीं किया है। पेपर लीक से लेके तमाम लीक हो गया, राम मंदिर भी लीक हो गया, एयरपोर्ट लीक हो गया, खुद धर्मेंद्र प्रधान लीकेंद्र प्रधान बन गया है। नेशनल दर्शक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है श्रीनिवास जी, और अभी जो इस वक्त आप देख रहे हैं देश में जो माहौल है, ख़ास करके युवाओं को लेकर के, नीट की परीक्षा हो या फिर अन्य तमाम परीक्षाओं को लेकर के, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि स्थिति बिगड़, क्या कहना चाहिए? देखिए, किस तरीके से बीजेपी सरकार आने के बाद में बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, नफरत, हिंसा, करप्शन, सबसे ज़्यादा करप्शन मोदी जी के गवर्नमेंट में हुआ है, तो इस पे हरियाणा का जनता इनको सबक सिखाने का काम इस विधानसभा में करेगा। क्यों, हरियाणा में नंबर वन किसको बनाया? बेरोजगारी पे नंबर वन, करप्शन पे नंबर वन, अत्याचार में नंबर वन, मीन्स हर चीज़ में नंबर वन बना के छोड़ दिया है। सो कहीं ना कहीं नीट के मामले में भी जो अरेस्ट हुआ है वो बीजेपी का तालुक रखता है, युवा मोर्चा का, वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, जो नीट पेपर, जो फ्यूचर का जो डॉक्टर्स है इस देश का, इंजीनियर से उस मामले में खेलना और प्रोफेसर के मामले में खेलना, वो बिल्कुल ही एजुकेशन सिस्टम का धज्जी उड़ाया। इस देश का एक रेस्पेक्टेड डॉक्टर और इंजीनियर के नाम पे उसके साथ इन लोग ने जो खेला है, और 4 तारीख राहुल गांधी जी ने नोटिस निकाला है, प्रधानमंत्री को भी दिया, स्पीकर को दिया, हम इस पर चर्चा करना है, तो वो लोग तैयारी नहीं है। 3 तारीख को ही अर्जन कर दिया, क्यों, इनका पूरा पर्दा साफ हो जाएगा, इसीलिए इन लोग ने चाहा नहीं है। तो यूथ कांग्रेस ने सारे असेंबली में कोऑर्डिनेटर्स लगाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, करप्शन, नीट, अग्निवीर में सबसे ज़्यादा नुकसान हरियाणा वाले को हुआ है, वो सारी विचार को लेके हम लोग सड़क पे उतरेंगे। अग्निवीर पर एक सवाल है, राहुल गांधी ने संसद में जो बात कही थी उसको लेकर के भाजपा दावा कर रही है कि मुआवजा दिया जा रहा है, राहुल गांधी बात को घुमा फिरा कर। देखिए, जब राहुल जी ने प्रेस मीट किया नीट मामले में, तब उनको एग्ज़ाम को पोस्टपोन, पीजी एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना पड़ा, यूजीसी को उनको तुरंत इन लोग ने कार्रवाई करने लगे, सीबीआई को देना पड़ा इनको। अग्निवीर के मामले में जब राहुल जी ने बोला, पार्लियामेंट में उठाया, तब इन लोग ने उनके घर पे जाके उनको बड़े बड़े आश्वासन दिया है, वो भी पूरा नहीं हुआ है। मीन्स इससे लगता है बीजेपी, झूठ बोलना बंद करो। इस देश का जो आप लोग ने पिछले 10 साल में 25 साल पीछे लेके गया है, इसको वापस आगे लेके आना है, तो इनको समझना चाहिए। राहुल गांधी जी के एक बयान को लेकर के काफ़ी बवाल मचा हुआ, बीजेपी इसको बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रही है, जो राहुल गांधी कहते हैं कि सर्वधर्म की बात है, और उन्होंने अपने वाक्यों में कुछ ऐसी बातें कही जिसको लेकर के भाजपा लगातार विरोध कर रही है कि हिंदू हिंसक नहीं। देखिए, आप हिंदू धर्म में क्या है, हिंदू धर्म में ये नहीं लिखा है आप किसी को परेशान करो, हिंदू धर्म में ये नहीं कहा है आप किसी को टारगेट करो, उसको डराओ धमकाओ, ये कहीं नहीं, किसी धर्म में नहीं लिखा है। तो ये क्या कहना चाहता है? ये लोग ने विषय को डाइवर्ट करना है, तो इनका जो पेपर लीक का मामला है, करप्शन का मामला है, इसको लोगों से दिमाग से हटाना है, इसीलिए इन तरीके का ये लोग ने। हाथरस पर सवाल है, हाथरस में जो घटना घटी है, क्या वाकई उत्तर प्रदेश सरकार विफल हो चुकी है? ये सरकार का फेल्यूर है, सरकार ने बार बार वहाँ लोगों में
इतने कम जगह में इतने लोग पढ़ा है, वो किस तरीके का जो भी वो बाबा है, जो भी है, जो बयान दे रहा है, ये कॉमन सेंस की बात है। वहाँ बारिश हुआ है, कौन सा मिट्टी मिल जाएगा बारिश में? हाँ, तो ये बीजेपी वाले सारे ये चॉकलेट देना, झूठ बोलना बंद करके वहाँ प्रशासन को इसको सही से ठीक कर देना चाहिए था। प्रशासन हमेशा उत्तर प्रदेश में बुलडेजर चलाने के अलावा कुछ काम नहीं किया है। ये देश में एक बहुत बड़ी दुरंत है। तो इस तरीके का ये बीजेपी भाजपा सरकार कहाँ है, पेपर लीक से लेके तमाम लीक हो गया, राम मंदिर भी लीक हो गया, एयरपोर्ट लीक हो गया, खुद धर्मेंद्र प्रधान लीकेंद्र प्रधान बन गया है, तो क्या बात करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रीनिवास जी थे, हमसे बात कर रहे थे। देखिए, देश में इस वक्त कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर के स्थिति काफ़ी ज़्यादा गहराती चली जा रही है, और इसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि जो घटनाएं लगातार बढ़ रही है, चाहे वो परीक्षा को लेकर के हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग को लेकर के हो, जिसको लेकर के संसद में कई बड़े सवाल उठाए गए हैं, जो है इमरान प्रतापगढ़ी हो, इमरान मसूद हो, ये तमाम चेहरे ऐसे हैं जो इस पूरे मामले को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं कि अल्पसंख्यक, मुस्लिम और वो तमाम दबे कुचले तबकों को एक बार फिर से उठकर अपनी आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। और सरकार को लेकर के जो ये स्थिति पैदा हो रही, विपक्ष जो एकजुट हो रहा है, जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में जो है ये सत्ता पक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगी, क्योंकि अब समाज जाग चुका है, राजनेता जाग चुके हैं, विपक्ष जाग चुका है, विपक्ष के पास आंकड़े मौजूद है, और विपक्ष इन आंकड़ों के माध्यम से जो है सरकार को अब चेता रहा है, डरा रहा है, चूँकि मात्र 32-33 सीटों का फासला है, ये सीटें इधर से उधर हुई तो फिर सत्ता भी परिवर्तन हो सकता है। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अबरारुल हक रहमानी, जुड़े रहे नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।